नमस्कार आदाब, वेलकम टू वीडियो कॉन। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, चंद ही सालों से ये देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तानी फिल्में और हिंदुस्तान में बनी हुई फिल्में सारी दुनिया में दिखाई जाती हैं, और जिसकी एक वजह ये है कि हमारी टेक्निकल क्वालिटी जो है फिल्म मेकिंग की, उसमें काफ़ी सुधार आया है, उसका स्तर काफ़ी ऊँचा हुआ है। और ख़ास तौर से इस ट्रेंड में, इस रुझान में एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान रहा है उन नौजवान फिल्म मेकर्स का जो पिछले 5 या 10 सालों में आए हैं, और जिनमें से एक बहुत अच्छा और उम्मीद बख्श नाम है संजय गुप्ता साहब का, और मैं उन्हीं को बुलाता हूं कि वो आएँ, हमसे मुलाकात करें, बातें करें। आइए संजय साहब। हाउ आर यू? आपकी फैमिली में भी कोई फिल्मों से ताल्लुक रखता था? माई फादर वॉज अ प्रोड्यूसर, बट जस्ट 2 ही फिल्में उन्होंने बनाई थी। आपको फिर ये शौक कैसे हुआ कि मैं फिल्में बनाऊंगा? शुरू से ही था, मतलब कभी ये नहीं सोचा कि पायलट बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या कुछ भी। एक शुरू से स्कूल में प्लेज, कॉलेज में प्लेज एंड मूवीज वॉज एन ऑल टाइम पैशन फ्रॉम द टाइम आई कैन रिमेंबर। और ये था कि इतना ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ इसे देखते हुए, एंड स्लोली इट जस्ट आई मूव टूवर्ड्स दैट द मैन हु मेक्स द मूवीज। मैं पहले आपसे जुड़ी हुई एक और शख्सियत को बुला लेता हूं, हम शुरू की वो बातें जल्दी जल्दी कर जाते हैं, प्लीज आइए। आइए आइए महबूब साहब, आइए सर, यहाँ आ जाएं आप। महबूब साहब का कम से कम नाम से तो मैंने इंट्रोडक्शन करा ही दिया, आप अपनी बहन का भी इंट्रोडक्शन करें। प्रिया, जब आप इनको तो खैर बहुत ज़माने से जानती हैं, तो आप लोगों को कभी कभी ऐसा इशारतन ये मालूम होता था कि भाई ये लड़का जो है अल्टीमेटली चाहे पढ़ने में बहुत अच्छा है, लिखने में बड़ा स्टूडियस है, लेकिन फिल्म विल्मों में चला जाएगा, ऐसा कुछ? बिगनिंग से, शुरू से था, ऑलवेज स्कूल में भी मुन्ना वॉज ऑलवेज डूइंग, आई मीन पहले से प्लेज, यू नो हर प्ले में एक्टिंग करना, डायरेक्शन, वट एवर, पहले से। इनके घर का नाम मुन्ना है? मुन्ना। अच्छा, मुन्ना भाई। अच्छा, लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग जो आगे चल के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे कुछ होता है, उनका एक एक ट्रेट या एक खासियत उनके फितरत की ये होती है कि वो कहानियां सुनाते हैं। मुन्ना बाकी सबको एक्टिंग कराते थे ऑलवेज। मुन्ना वाज ए डायरेक्टर, एंड इनफैक्ट जब वीडियो कैमरा भी पहले आया था मुन्ना के पास फर्स्ट, एंड एवरीबॉडी हैड टू एक्ट। महबूब साहब, आप इनको कब से जानते हैं? जब हम लोग न्यूयॉर्क में मिले, मैं और प्रिया, एंड वी केम डाउन न्यूयॉर्क से, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट मुन्ना, एंड वी हिट इट ऑफ फ्रॉम दैट टाइम, और उसके बाद वी हैव बीन वेरी वेरी क्लोज। इन फैक्ट मुन्ना हैज द वन हु साइंड माय निकानामा आल्सो। अरे वाह। एंड आई थिंक, आई मीन यू नो, रिलेशन तो खैर एक जीजा साले का है ही, बट उससे ज्यादा दोस्ती का। अभी हाँ, दोस्ती मुझे घर पे छोड़ के चले जाते हैं। प्रिया जी, आपसे कुछ और बातें करता हूँ, हम मिल के कुछ तस्वीरें देखते हैं, फिर उनके बारे में बात करते हैं। तस्वीरें का हाय संजय, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू टुडे। मुझे बचपन से ही पता था कि तुम बहुत खास हो। याद है तुम्हें बचपन में जब तुम कुछ गलत करते थे तो तुम्हारी क्या सज़ा होती थी? यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर मोर देन अ सन टू मी, देन अ ब्रदर, आई लव यू मोस्ट संजय। अनयूजुअल बात कही ना आपकी बड़ी बहन ने जी, जब आपको सजा देना होता था तो ये धमकी दी जाती थी कि आपको स्कूल जाने को नहीं मिलेगा। स्कूल, मुन्ना को स्कूल ही चाहिए था बस। प्यारा सा छोटा स्कूल था, कम स्टूडेंट्स थे, एंड दैट वाज आल्सो अ फैमिली, कुडंट डू विदाउट देम। ही वाज द हेड बॉय, मुन्ना वाज वेरी पॉपुलर,
यू नो, तो स्कूल में जब जाए तो सब लोग लाइक संजय संजय मुन्ना मुन्ना. तो मतलब स्कूल जो है वाज अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर यू. ऑफ कोर्स. एंड ऑफ कोर्स यू गॉट टू एक्ट इन स्कूल. दैट वाज वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स. उसमें भी आप डायरेक्शन करते थे? जी हां, दैट होल प्ले वाज डायरेक्टेड बाय मी एंड दैट वाज वन ऑफ द थर्ड. बुराई इनमें पहले से थी. वेलकम बैक वीडियो कॉन. जीना इसी का नाम है. हमें मुलाकात हो रही है स्टूडियस स्टूडेंट संजय गुप्ता साहब से, जो बड़े होकर बहुत काबिल डायरेक्टर हो गए हैं. आप क्या फैमिली में सबसे छोटे? हाँ, सबसे छोटे आप जी. वही लाइक अ स्पॉइल्ड लिटिल सन एंड अ स्पॉइल्ड लिटिल ब्रदर? वाज नेवर स्पॉइल्ड. वो भी मतलब मीजान से सब होता है. अच्छा, मैं पूछता हूँ कि होता था या नहीं होता था. आइए प्लीज. सरकार आप यहाँ आ जाएं. कुछ मेरी तरफ भी ज़्यादा मत पूछना, सारी पोल है इनके पास. इसीलिए तो मैंने अपनी पास बुला लिया. सर आप यहाँ आ जाएं, पहले तो आप इनका परिचय करवा दें. शी इज माय वाइफ सुनीता यूप्रोय, हिज सिस्टर लकी सिस्टर. संजय साहब कह रहे थे कि भाई दो बहनों में एक भाई थे, लेकिन बड़े लेवल हेडेड थे. तो आप भी इनको तब से जानती हैं जब ये बड़े लेवल हेडेड थे? बिल्कुल, इतने छोटे से थे तब से जानती हूं. आई नो हिम. मतलब जितने सेंसिबल और संजीदा इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्या बचपन से वैसे ही थे? बिल्कुल नहीं जी, बहुत शरारती था. शरारती तो खैर अब भी है. ये बचपन में मम्मी वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एंड शी यूज्ड टू टेल हिम टू लुक आफ्टर अस, यू नो, एंड ही यूज्ड टू ब्लैकमेल अस. मम्मी को बता दूंगा तुम लोग लेट आए थे, सो वी यूज्ड टू ब्राइब हिम. पैसे देख के वी यूज्ड टू गिव हिम मनी. सो होता ये था कि राखी वाले डे पे शी यूज्ड टू गिव हिम मनी टू गिव अस, एंड बाहर आके ये हम सबसे पैसे ले लेता था. ये हिसाब रखता था, हिसाब रखता था, एंड वी यूज्ड टू एंड अप गिविंग ऑल आवर मनी टू हिम. इट्स पे बैक टाइम नाउ. टुडे ही लुक्स आफ्टर अस. ही लव्स द किड्स. ही लव्स द चिल्ड्रन अ लॉट. रियली लव एंड अडोर हिम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट हिम इज दैट आई नो इफ आई एवर नीड हिम ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस. अच्छा सर, बहन ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, अब आपको तो ऐसा कोई फर्ज अदा करना नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं. आई केम टू नो हिम थ्रू हर. And those days he was an assistant. You know, we used to always meet in the evenings. And Gups ke andar ek cheez hai sir, his storytelling, you know, his music sense. He was just fantastic. I used to sit and wonder, yeah, this guy is damn good, yaar. So iske saath I must make a movie. Then I did a picture Jung with him. So in Jung, sir, I mean, all his pictures through, if you see, you know, he tried to make something always different. इनकी पोल खोलने वाले थे सर. पोल तारीफ के पुल बांधने को तो मैंने नहीं तारीफ का पुल, बिकॉज दिस इज माय वन अपॉर्चुनिटी टू टेल द वर्ल्ड दैट यस, गुप्ता इज गुप्ता. ये इन तिलों में से तो कुछ तेल निकलने वाला नहीं. आप एक काम करें सर, आप प्लीज वहां बैठे. आइए आइए, आप भी वहां बैठे. ये तो कुछ मेरी बात नहीं बन रही है. मैं किसी और को बुलाता हूँ, हो सकता है इसमें कुछ नसीब जाग जाए. आइए प्लीज. अरे नहीं, इनको नहीं, ये तो आइए. सर आप दो जो हैं फिलहाल जो है मेरी उम्मीद के बिल्कुल रोशन चिराग हैं. आप लोग संजय साहब को कब से जानते हैं? स्कूल से, बचपन से, स्कूल से. सेकंड स्टैंडर्ड में साथ में ही. एंड देन एक इसका 30 इयर्स एंड एक इसका वेकअप अलार्म होता था जहाँ ये रहते थे. ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट था, तो एग्जाम के टाइम भाई जल्दी उठाना. तो एक इसका खास फ्रेंड था हैप्पी, तो इसको कोई अलार्म की ज़रूरत होती थी. सुबह क्या करें अभी, तो ये क्या करता था, अपने अंगूठे के थंब के एक नाड़ा बांध देता था और वो नाड़ा बाहर रख देता था और एक प्याले में वो पानी, तो वो हैप्पी सुबह आके इसको उठाता था, वो खींचता था और पानी से यूँ. स्कूल में जो है मतलब पढ़ने में लिखने में एकदम हेड बॉय थे, कुछ झंडा वंडा ले गए. ही वाज इंटेलिजेंट, वेल बिहेव्ड इन स्कूल. ओह यस, थोड़ा दादा टाइप के भी. बड़ा स्ट्रिक्ट हुआ करता था. हमारी क्लासेस ना ऊपर हुआ करती थी, तो तीसरे माले तक चल के जाना पड़ता था. हेड बॉय खड़ा रहता था चेकिंग के लिए, लेस टाई बैग, तो फिर भी देख लेता था ये फ्रेंड है, फिर बोलता था नो आउट. अरे मुन्ना बाहर मिल तू. हम आपकी स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं. यहाँ देख, बड़े
Sanjay. Your alma mater is proud of you. Whatever you are doing today is recorded by all of us in school. We always remember you. The little mishap you had some time ago, it was our concern. We were praying for you silently. What you are today is you have made yourself. Your determination and your perseverance is what has brought you to this stage in life. I wish you all the best. You are a self-made man. Sir, please tashreeh rakhe. Main Sanjay sahab se kuch baatein kar. Please sir, Tiku sahab tashreeh rakhe. Aapne kya socha tha ki school ke baad main kya career lene wala hu, main kya? Actually, main bahut confused tha kyunki ye to janta tha ki I wanted to be a filmmaker. Aur ye tha ki there was no like FTI bhi un dino band tha and you know there was no avenue to go to. To itna zarur pata tha ki jo 5 saal college honge, college ke honge, but wo 5 saal kaam karunga. You know, I knew more that I'll go and be an assistant director rather than a स्टूडेंट. तो ये था कि जो भी अच्छे कॉलेज में तो बाकी लोगों को बोलना अच्छा लगे कि हाँ मैं ये कॉलेज में जाता हूँ. तो वही एक इंटेंशन था टू गो टू अ रियली गुड ग्रेट कॉलेज एंड आई वाज लकी टू गेट इनटू सिडनम. सर वो जब आप कॉमर्स सिडनम में पढ़ने गए उस जमाने के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज आइए. अरे This is his first play, Holi, which he had directed in college. In college? It was quite a riot over there. भाई ये देखिए, ये जो है coming events were casting the shadows वाला किस्सा है. तो जब ये स्कूल में तो खैर प्लेस करते ही थे, कॉलेज में आके होली मचाते थे. लेकिन कॉलेज में भी बहुत मतलब जाने माने थे कि भाई स्टूडियस आदमी. बहुत ज्यादा जाने माने थे सर. नहीं नहीं, स्टूडियस तो नहीं थे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जाने माने थे. और उस जमाने फिर आप असिस्टेंट भी हो गए. हाँ, आपने कहा डबल हो गया. हमने इनसे पूछा था आप लाइक हाउ डिड यू इवन गो एंड बिकम एन असिस्टेंट. वी ऑल यूज्ड टू वंडर. सो ही सेड नहीं, मैं बस वो पंकज पराशर के ऐसे सेट पे चला गया और ही जस्ट सेड आप कौन है. एंड ही सेड मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ. ही सेड आप लाइट के सामने खड़े हैं और आप बोल रहे हैं कि आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं. सो ही सेड इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके नीचे सीखना चाहता हूँ. वी ऑल बीन इन कॉलेज टुगेदर. टिक्कू एंड रितु आर मैरिड, यू नो. सो इट्स ऑल, आई मीन दैट होल ग्रुप हैज kind of stay together. इनकी फिल्में देखना कंपलसरी है कि भाई चलो चलो मेरी फिल्म देखो, मेरी कहानियां सुनो, मेरे गाने सुनो, मेरी फिल्म देखो. 20 साल की दोस्ती रही है हम लोगों के कॉलेज से. पर इसके खाने पीने का बहुत शौक है. मतलब वो भी, मतलब आपने पूछा ना कि भाई गाने भी सुनने पड़ेंगे, ये तो खाने के साथ भी ये प्रॉब्लम है. मतलब खाना भी वही खाना पड़ेगा जो इसे पसंद है. एक इनकी जिंदगी का एक पहलू है जिसका जिक्र अभी पहले हो चुका. मैं ऐसी कुछ शख्सियतों से पहले आप लोगों की मुलाकात इस पर्दे पे करवा देता हूँ. यहाँ Munna Mama, please make a movie on dolls. All I want to say, Munna Mama, is that you've been the guiding factor in my life, and thanks a lot for being there. Munna Mama, always make adult pictures from Kantir to Plan to Musafir. You should make a kid's picture. I love you. Hi, Munna Mama, I love you. I know you're the best. All the very best for Musafir, and please tell Neha not to irritate me. I like Munna Mama because he takes us to Khandala and tells us scary stories. I love you, Munna Mama. We love you, Munna Mama, and all the very best for Musafir. Oh my God. Neha ko bata denge na ki wo unko irritate na kare. वेलकम बैक वीडियो कॉन. जीना इसी का नाम है. संजय गुप्ता साहब से मुलाकात हो रही है, जहां आपकी कॉलेज के और स्कूल के ज़माने की शराफत की और बहुत सारी बातें हुई. तो मैंने सोचा कि एक ऐसे साहब को बुलाऊं जो आपको कॉलेज के ज़माने से शायद जानते हैं, और एक ऐसे साहब को भी बुलाऊं जो बहुत ही कम सुखन और सोबर होने के लिए मशहूर हैं. पहले उनको बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद वो बोल पड़े. आइए प्लीज़. कम सुखन साजिद साहब, आप मेरे पास खड़े हो जाएं. क्या हाल है भाई? अतुल साहब, आदाब आदाब आदाब. अरे भाई, ये हमारा डीवीडीज का सिलसिला है, तो ये एडवांटेजेस ऑफ बीइंग ऑन द शो. आप संजय साहब को कब से जानते हैं? बहुत जमाने से. मैं 20 साल से तो जानता हूँ कम से कम. यारों का यार है. ही इज बीन देयर. आपने देखा होगा, ही केप्ट ऑल ऑफ अस टुगेदर. आप भी सिडनम में थे? हाँ जी, मैं सिडनम में था. हमारी दोस्ती वहीं हुई. तो इनफैक्ट जब मैं असिस्टेंट बना तब इन्होंने मुझे लगाया. मेरी पहली पिक्चर ब्रेक भी इन्होंने दी. अच्छा सर, अच्छा साजिद साहब,
आप मिस्टर संजय गुप्ता बहुत ही शरीफ सोबर क्वाइट आदमी को कब से जानते हैं? सर मैं तब से जानता हूँ इन्हें जब से हम दोनों चोर थे। हम लोग की शुरुआत तब से हुई थी जब हम लोग लेजर डिस्क प्लेयर खरीदते थे कम भाव में और उसे पॉलिश करते थे अच्छी तरह से और दूसरे लोगों को बेचते थे और पैसे कमाते थे। ऑल ऑफ अस आर सो प्राउड ऑफ हिम बिकॉज संजय गुप्ता इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ हाउ हार्ड वर्क एंड प्रेजर्वरेंस कैन गेट यू फ्रॉम ऑलमोस्ट 0% प्लेटफॉर्म टू वेयर ही इज टुडे। आई थिंक he deserves a big hand for that. I'm so proud of him. किसी डायरेक्टर ने वो कमाल नहीं किया जो आपने किया है। मैं पहले वो दिखा देता हूँ फिर आपको पूछता हूँ। सर ये देखिए पर्दे पे। ये मतलब मुझे तो कम से कम नहीं मालूम एक ऐसा डायरेक्टर जिसने अपनी कॉलेज की फिल्म बनाई हो। ये हाउ डिड यू मैनेज दिस? ऐसा था कि आई वाज डेस्परेट टू मेक अ मूवी एंड आवर कॉलेज वाज कंप्लीटिंग 75 इयर्स। वी वेंट एंड वी पिच्ड द आइडिया टू देम एंड दे सेड हु विल फंड इट। वी सेड वी विल गो एंड फाइंड स्पॉन्सर्स। बस जस्ट व्हाट वाज डाइंग टू गेट माय हैंड्स ऑन अ कैमरा और वो कैमरा ले आए कॉलेज में और स्टूडेंट्स के साथ ऋतु टिक्कू एवरीबॉडी दे वर ऑल देयर। दिस वाज ऑल माय यूनिट। इट्स वेरी स्ट्रेंज यू नो बट सिंस देन टू नाउ strangely enough every time like when my film plays if I'm in the theater and when the credits roll I start crying. मैं ये बोलना चाहूँगा सर without any bias over here कि कांटे मैंने तो शो पे भी बोला is my third best हिंदी फिल्म of all times, number one being शोले, number two being लगान, number three being कांटे। कांटे की टेकिंग जो है वो truly 100% A grade Hollywood taking। I mean you've never seen people like Sanjay Dutt, Sunil Shetty, Amitabh Bachchan do things the way he's done it and I think he genuinely deserves a huge round of applause for making best looking Indian film ever. How did you finally manage to get a break? One man, Sanjay Dutt, he is the guy who pushed me and he was like, you know, you can do it and my name over here is Con Man. I can con anybody. So I'll DVD के जमाने से ये LD के हमारी शुरुआत LD के जमाने में हुई थी और हम लोग अपने स्पीकर्स वीकर्स बना के मतलब रेगुलर स्पीकर घर पे बना के उसमें कोन्स वोन्स फिट करके बोस का स्टिकर लगा के बप्पी लहरी को जाके बेच के आ गए थे। सर आप तशरीफ रखें। थैंक यू। मैं एक और मेरे यार को बुलाना चाहता हूँ जो इनके उस्ताद रह चुके हैं। आइए प्लीज। अरे बॉस थैंक यू। आइए सर। आपकी मुलाकात संजय गुप्ता साहब से सबसे पहले कब हुई थी? His family were family friends, so they called and said, "Ki our boy wants to join the films, and will you keep him as an assistant?" So I was doing Karamchand that time, I think. So I called him and I looked at him, and he was very shy and slim and quiet. So I said, "He hadn't sold you any LDs till then." He sold me a Bose speaker later on. So which I don't think were Bose speakers. So he was very quiet and unassuming and never looked like he's very ambitious till I found out in Jalwa outdoor one night that we had ek scooter tha continuity mein, it had got couple of dents, so I fired everybody. Kaise dent hua? Teen char din baad pata chala ki do teen meri jo female assistant thi inko ye scooter sikhate the raat ko shooting ke baad. Aap bata rahe the sir aapko pehli film jo jisme ittefaqan Atul saab bhi nazar aaye the Aatish mili, tab aapki umr kya rahi hogi? I was 21. मतलब ऐसा लग रहा था आपको कि यार नहीं यार थोड़ा सा और सीख लेना चाहिए? नहीं ऐसा लगता था हमेशा बट क्या है कि शुरुआत यहाँ से हुई थी जिसकी ग्राउंडिंग करमचंद के सेट पे शुरू होगी एंड देन जलवा वाज माय फर्स्ट मूवी सो आई बाय देन न्यू द कैमरा लाइक द बैक ऑफ माय हैंड। एक और साहब हैं बड़े रतन हैं जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं सर, तो मैं चाहता हूँ उनको बुला लूँ, उनका भी दिल नहीं दुखना चाहिए। प्लीज कम सर। आदाब कपूर साहब, हाउ आर यू सर? नाइस टू हैव यू अगेन। आइए सर, आइए आइए।
आपकी पहली मुलाकात जनाब मोहतरम गुप्ता साहब से कब हुई थी? Vicky, my older brother, and Gups were in college together. And they used to come home to study, all night study ka plan bana ke. They used to send me to the kitchen to make tea because these guys used to be smoking, Atul and Vicky and all. The younger brother, go make chai, go make coffee. So very later in life that he really became a friend. And then later he just took off, he started working with Sumit Chopra. And then by then we'd all become friends. And you know, every time we wanted to go out, he was like, yaar, oh, mujhe ye karna hai, wo karna hai. I said, abhi niklo Sumit ke yahan se. So that's how, and then we were going to Mauritius for a long schedule. So we had to convince him to come with us. So we told Sumit, just let him come for 10 days with us. And he didn't know that we had already made Atul and I plan. We would take it once and we would not come back. And from there, the cameraman came back. Sir, they started the Kamal from there. Let's see some of them. But especially the last one, you know, there are a lot of crazy things you used to do. My first picture published ever, actually. Ultimately, inki khidmat karna, chai pilana wagara has paid off in the end. Has paid off. good. Sanjay Gupta sahab se baat ho rahi hai. Video kaun Jeena Isi ka naam hai. Pichle episode ke bilkul aakhir mein jo sharafat ki दिशाएं डब्बू रत्नानी साहब को इन्होंने समझाई थी उसका जिक्र हो रहा था, लेकिन कहीं कोई ये ना समझ ले कि सिर्फ ऐसा ही सब कुछ हो रहा था. दरअसल यहाँ जो है एक बड़ी अच्छी फिल्म बन रही थी जो इनकी पहली फिल्म थी आतिश. एक साहब को बुला लेते हैं, उनके साथ मिल के बात करते हैं आतिश की. प्लीज़ आइए सर. आदाब भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? आतिश फिल्म का जिक्र कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि डायरेक्शन की तरफ जो है हल्का सा इशारा करने वाले या कम से कम एड़ लगाने वाले जो हैं संजय दत्त. तो हाउ डिड यू फील कि यार ये 21 साल का लड़का जो है सिडनम कॉलेज की जो एक ज़बरदस्त फिल्म बना चुका है, इनको डायरेक्टर बन जाना चाहिए? जब ये असिस्टेंट हुआ करता था तो मैं आउटडोर शूटिंग से आ रहा था, तो मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आ रहा हूँ. गाड़ी में बोला एक गाना सुनना. गाना सुना, बोला कमाल का गाना है यार, वो तम्मा तम्मा लोगे. तो मैं बोला बहुत अच्छा गाना है. बोला लेकिन डांस तो तुझे करना है. मैंने बोला मुझे कहाँ डांस करवा रहा. तो मैंने बोला इतनी तकलीफ अगर इसने मुझे दी है तो थोड़ी बहुत मैं भी इसे. जब आपने इनको देखा है, वेरी यंग असिस्टेंट जो है, तब आपको ऐसा लग रहा था कि दिस इज अ ब्राइट स्पार्क, ही विल मेक इट एज अ डायरेक्टर? डेफिनेटली. आई मीन व्हेन आई वर्क टू देम इन थानेदार, आई जस्ट न्यू दैट I always used to tell him. I used to always tell him that you'll be one of the greatest directors of the Indian industry, and I think I'm right. What do you guys say? We've been through together also. We've had our ups and downs. Mm. So there's a lot of times, and then my downs also. They said he was responsible for creating the monster, but he was always there. And like you know, there's something that I always say. When everybody else walked out, he always walked in. Mm. Today it is all. It's a kind of a payback time. It is that, no, you know, everything I want to do, I want to make him proud. It's like that because he is the one man who is just always kind. अच्छा, आपने White Feathers जो production company बनाई, ये ख्याल आप लोगों को कैसे आया कि यार हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें और दर्द सर कम हैं, तो लिक और ऐड कर लें सर, producer भी बन जाए. फारूक भाई, संजय हर producer के साथ काम करता था and कभी खुश मैंने उसको देखा नहीं. तो एक दिन मैं शूटिंग करके आ रहा था तो मुझे बोला कि हम लोग रास्ते में मिलते हैं. उसने मुझे कांटे का सब्जेक्ट सुनाया, बोले कि सब न्यू कमर्स चाहिए मुझे. वो मुझे सब्जेक्ट सुन के मैं बोला न्यू कमर्स क्यों चाहिए तुझे यार. आई सेड आई विल टॉक टू एवरीबॉडी एंड वील गो एंड मीट एवरीबॉडी. इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट, यू नो, वील स्टार्ट अ कंपनी टुगेदर एंड यू ओनली डू फिल्म फॉर दैट कंपनी. यू नो द वे वाइट फेदर फिल्म इज टूडे, इट्स अ नेम इन द इंडस्ट्री टू कि वाइट फेदर फिल्म है तो पिक्चर देखनी चाहिए. हाउ इज इट वर्किंग विद हिम एज अ प्रोड्यूसर? जहाँ तक प्रोडक्शन का सवाल है, देर इज़ नो संजू और देर इज़ नो मी. आई मीन वी नो वी आर सो इन ट्यून. आई डोंट हैव टू टेल हिम हाफ द टाइम्स. ही नोज एग्जैक्टली. आई मीन व्हेन वी आर वर्किंग आल्सो टुगेदर, सो वी वर वेरी क्लियर दैट वी विल ओनली मेक फिल्म्स दैट यू नो आई डायरेक्ट एंड
something that we believe in. आपने जिस फिल्म का जिक्र किया जिस का बहुत अच्छा जिक्र साजिद भी करके गए हम एक झलक उसकी देख लेते हैं फिर उसकी बात करते हैं गुप्स यू फैंटास्टिक एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आर माय फ्रेंड एंड व्हाटएवर एज एन एक्टर व्हाटएवर रिकॉग्निशन आई एम गेटिंग टुडे आई नो इट्स थैंक्स टू यू एंड यू नो दैट टू आई डोंट नो बिकॉज आउट ऑफ द ब्लू यू जस्ट One day came with the script and said, Mahesh, you're doing Bali. And I still wonder sometimes, you could have easily got someone, a star and made a little more money. But you stuck by your convictions. Have a great life, Gups. You deserve it. You've worked hard for it. And let's rock. Ek saab aap se baat karna chahte hain phone par pehle baat kar lein. Ji sir, farmaiye. आदित्य साहब, how has it been working with संजय गुप्ता? मैं शोध कंसेप्ट करना चाहता हूँ। जी। अगर इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बॉलीवुड में या जितने डायरेक्टर हैं, उनमें से अगर मुझे चॉइस दी जाए कि किसकी फिल्म करोगे, तो मैं कहूँगा संजय गुप्ता की। And I really mean this, गुप्ता। I really मुझे बहुत मजा आया आपके साथ हमेशा काम करने में, in आतिश, in हमेशा, in मुसाफिर। Thank you, brother. I love working with you too. बहुत शुक्रिया भाई. Very kind of you to call in. Thank you, sir. Enjoy. Thank you, thank you. Thank you. Coming back to Kante. एक तो ये कि आपने पूरी फिल्म जो है हिंदुस्तान से बाहर ले जाकर शूट की और यकीनन जो है कम पैसे में भी नहीं हुआ होगा. ये तस्वीर जो है आप दोनों को आया कैसे? क्योंकि it's a big financial involvement. और भाई ऐसा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक छोटी सी फिल्म बनाना चाहता था. व्हेन ही हर्ड इट ही सेड लेट मी डू दिस कैरेक्टर. सो आई सेड बाकी सब भी वैसे ही चाहिए. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैं लाऊंगा ना. एज अ प्रोड्यूस कौन करेगा? ऐसा मैं करूंगा. अच्छा. तो मतलब मेरी हर प्रॉब्लम के लिए संजू ऑलवेज बीन देयर. आवर विजन आवर एंबिशन वाज वेरी बिग. और वो पैसे हमारी जेब में थे नहीं. बीच रास्ते में जाके हमारी गाड़ी रुक गई. वी रन आउट ऑफ मनी. वी डिडंट नो व्हाट टू डू. एंड दैट्स वेयर अगेन ही स्टेप्ड इन एंड कहा कि ठीक है, जो भी मेरा रेम्यूनरेशन है फिल्म एज एन एक्टर, I forego put it into the budget. And inko dekhte hue fir Amit ji came forward, all the other actors came forward. I think that is something which has never happened. Aur us yogdan se hamari film aage badi, production khatam ho gayi. Our life was in that movie. You know, humne film to bana di thi, ab wo wahan se nikale kaise? And then again things kind of worked out. He went through such a struggle in those days. I had to see, kyunki jab hum log LA bhi gaye the, you remember? सब लोग बोलते थे हाँ देख लेंगे कैसी बनती पिक्चर यार. तो एक प्रेस्टीज इशू हो गया था हम लोग का. एंड वी सेड के कैसे भी करके भी पीपल विल सी कांटे. फरोबा इतना अच्छा माहौल था सेट पे. आई मीन अमित जी यूसु से कि अच्छा ये लाइन यार ये तू बोल दे. या मैं कभी महेश को बोलता था यार ये लाइन मैं नहीं बोलूँगा, महेश तू बोल. तो ऐसा माहौल मैंने कभी देखा नहीं. हालांकि नॉर्मली जो है उलट होता है. अच्छा मैं अपने दिल की बात बताऊँ, जब व्हेन ही इज ऑन द सेगमेंट मुझे किसी और को बुलाने का मतलब अंदरूनी तौर पे है कि मेरा जी नहीं चाहता. हाँ. लेकिन ऐसा एक मजबूरी है कि मैं एक छोटे सुरीले नोट पे इस सेगमेंट को ख़त्म करना चाहता हूँ. पहले उनको बुलाते हैं. जाने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ. आप अभी मत जाइएगा, सेगमेंट के बाद ही जाइएगा. आइए प्लीज. सर आपका साथ जो है कब का है? सर हमारा साथ कांटे का ही है. कांटे के दौरान हम मिले और ये मेरे पीछे पड़ गए थे बिल्कुल. जस्ट कम टू माय स्टूडियो वंस. एंड मैंने शुरू की थी फिल्म ये बोल के कि इस फिल्म में 6 हीरोज़ हैं, 6 कंपोजर्स होंगे. तो ये सर यार मैं ये नहीं बोल रहा मुझे सोलो ले ले, 6 कंपोजर्स हैं तो ऑब्वियसली यू कैन गिव मी वन चांस, जस्ट कम मीट मी. एक दिन मैं इनके स्टूडियो चला गया. तो इन्होंने कुछ गाने मेरे लिए रेडी रखे थे, पर उससे पहले मैंने इनको एक मेरा ट्रेलर बनाया हुआ था कांटे का, वो मैंने इनको दिखा. दैट इंस्पायर्ड ऑन द स्पॉट ही केम अप विद इश समुंदर एंड आई सेड दिस इज ब्रिलियंट. तो आई सेड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, यू हैव गॉट योर सॉन्ग. जैसे आग के रास्ते में कई लोग जल जाते हैं और कई लोग आग में तप के ना और चमकदार हो जाते हैं. संजय गुप्ता उसका नाम है. और एक शेर बस, मजबूत इरादों का मालिक पत्थर का जिगर मैं रखता हूँ. मजबूत इरादों का मालिक पत्थर का जिगर मैं रखता हूँ, वो चीज़ मेरी हो जाती है जिस पे भी नज़र मैं रखता हूँ. वो आनंद का म्यूजिक. दिस इज संजय गुप्ता. मैं जरा संजय दत्त साहब को बुलाऊं, वो एक बात मुझे कहने वाले थे. आइए सर.
मैं ये कह रहा था फारूक भाई कि माय मदर वाज हैविंग अनदर बेबी एंड मिसकैरेज हो गया था एंड वो मेरा छोटा भाई था और मैं सबको इंडस्ट्री में यही बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने ये भाई मुझे दे दिया है पता नहीं क्यों वेलकम बैक वीडियो कॉल जीना इसी का नाम है मैं आज हमारे मेहमान हैं संजय गुप्ता साहब एक साहब को बुला लें फिर साथ में सफर करते हैं प्लीज आइए आदाब मुझे सही याद आ रहा है तो अनिल ने और संजय दत्त ने कभी साथ काम नहीं किया नहीं आप पहली मर्तबा इनके साथ काम कर रहे हैं जी तो मुसाफिर का आपका सफ़र जो है साथ में कैसे जुड़ा आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था और घर पे बस आराम ही कर रहा था मेरे को मेरे सर्वेंट ने बोला कि अनिल कपूर के ऑफिस से फ़ोन आया था थोड़ा मिनट आई वाज लाइक सर अनिल कपूर के ऑफिस से मेरे को क्यों फ़ोन आया सो आई कॉल्ड बैक एंड ही वाज इन द अदर एंड ऑफ द लाइन एंड ही सेड यू नो यू हैव जस्ट गिवन मी अ स्लीपलेस नाइट एंड ही सेड नो आई सॉ कांटे एंड आई सॉ इट अगेन एंड आई लव्ड द फिल्म एंड वांटेड टू टेल यू एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ सो आई सेड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग नो यू बेटर डू समथिंग यू नो एट लीस्ट कम मीट मी तो ऐसे ठीक है आई वेंट टू मीट हिम एंड यू नो वी जस्ट गॉट टॉकिंग एंड मेरा कोई जैसे मैंने आपको बताया कोई इरादा नहीं था एक साल तक काम करने का कुछ नहीं बट इन दोज कपल ऑफ मीटिंग्स यू नो वी जस्ट गॉट टॉकिंग वॉकिंग एंड ही जस्ट पुट मी राइट बैक ऑन ट्रैक संजय गुप्ता के बारे में आप आदमी आज मैं क्यों हूँ यहाँ आया हूँ नहीं इसलिए नहीं कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि जब भी संजय गुप्ता के बारे में आदमी सोचता है जनता सोचती है मैं सोचता हूँ इंडस्ट्री सोचती तो क्या सोचता है ये सोचता है दोस्ती के बारे में इसलिए मैं आया हूँ कि संजय गुप्ता और संजय दत्त फिल्म इंडस्ट्री में एक मिसाल बन गए हैं एक ऐसी मिसाल जो मुझे लगता नहीं कि कोई भी अगर मैंने भी बहुत मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में और ऐसी दोस्ती मैंने नहीं देखी आई फील जेलस समटाइम्स कि यार क्या दोस्ती है इन दोनों की है अनिल इज़ नोन फॉर बीइंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट द काइंड ऑफ वर्क ही डज और ख़ास ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनके साथ इनका सुर सही मिलता हो सर आप मानेंगे नहीं मैंने कांटे बना ली उसके बाद भी आई नेवर फेल्ट कि ठीक है आई हैव डन समथिंग इन लाइफ बट द फर्स्ट डे आई वाज शूटिंग विद हिम तो मैं धर्म को मैंने फ़ोन पे बात कर रहा था मैंने कहा भैया मेरे को अभी ISI स्टैंप लग गया ही इज़ वर्क्ड विद मी नाउ आई हैव गॉट अ स्टार आई सेड नाउ आई फील ओके आई हैव अराइव्ड संजय दिस इज़ योर शो तो प्लीज आई मस्ट सो जब आपका शो तो मतलब आई हैव टू प्रेज यू ओके ओके लेट्स सी इफ समबडी एल्स डज द सेम प्लीज आइए आप कैसी हैं जब ये सेट पे आप लोगों को डायरेक्ट करते हैं तो मतलब ये करके दिखाते हैं फाइट सीन ये करके दिखाते हैं गाने का ये गाके दिखाते हैं क्या करते क्या सिर्फ रोमांटिक सीन करके बताते हैं रोमांटिक सीन करके सिर्फ रोमांटिक सीन बाकी जो एक्शन है जो वो तुम लोग कर लो हां तुम लोग कर लो रोमांटिक सीन होता है जी तो फिर मिस्टर गुप्ता साहब बोलते अनिल ये हरिया एकदम बारीकियों के साथ बट डांस डांस करके दिखाते हैं गाके डांस है लेकिन सेट अप आई थिंक पैक अप के बाद वो डांस करते हैं नो गाते हैं और ही इज अ वेरी वेरी गुड सिंगर तो पैकअप से पहले सर आप सुना देंगे तो चलो नहीं सर मेरा भाई इधर है आइए साथ में गाएंगे सर साहब तो दो लाइनें सुना दें फिर मैं जरा अनिल कपूर से आपकी खबर पूछना चाहता हूं नहीं आप पूछिए सर हम लोग फिर बाद में गाएंगे तो जी अनिल आप कह रहे थे कि मतलब एक्शन वैक्शन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सिर्फ रोमांटिक सीन और कभी कभार अपना सेवीना जी ने सही कहा कि ही इज अ फैंटास्टिक सिंगर वन थिंग अबाउट हिम कि जितना बिंदास है उतना ही इज अ टास्क मास्टर अगर मैं 100% डांस कर सकती हूँ ही वॉन्ट्स 200% स्पेशली इन द एक्शन सीन्स इज वेरी स्मार्ट टीनू वर्मा जी के साथ टीनू जी थिंक्स आई एम लारा क्रॉफ्ट की लड़की कुछ भी कर सकती है यू नो शी कैन गो थ्रू ग्लास टेबल शी कैन डू दिस हीज़ टू बी वेरी क्वाइट इन द कॉर्नर सिंग अच्छा हाँ समझा करो आई एम श्योर कि ऐसा अच्छा डायरेक्टर बोल रहे हैं कि ठीक है तो ठीक है उसके बाद एवरीबडी यू नो हैड टोल्ड मी व्हाट यू डिड वाज सो डेंजरस आई वेंट अप टू संजय आई सेड व्हाट डिड यू मेक मी डू कुछ हुआ क्या आनंद साहब और संजय साहब जो है रामा और मौला से सवाल कर रहे थे लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि जो है मुसाफिर जो है रामा और मौला दोनों को खुश करके जो है बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत कामयाब होगी और हमें उम्मीद है कि एक्शन के अलावा भी जब कभी ये रोमांटिक इमोशनल खूबसूरत सब्जेक्ट बनाएंगे तब भी उतनी ही मेहनत और उतनी ही खूबसूरती के साथ बनाएंगे जितनी खूबसूरती के साथ और जिस ऊँचे टेक्निकल मयार के साथ इनकी अब तक फिल्में बनी हैं
उनके उस तरह के सब्जेक्ट भी उसी किस्म के होंगे. और संजय साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए. ग्रेट प्लेजर. आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी माय फैमिली माय फ्रेंड्स. इट इज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर सिंगिंग फॉर अस. और हमारी आपकी मुलाकात जो है अगले किसी एपिसोड में होती है ऐसे ही किसी बहुत मज़ेदार मेहमान के साथ. तब तक के लिए मैं गाना नहीं गा सकता इसलिए सिर्फ अलविदा कहता हूँ. आदाब.